1000 और 500 के नोट बंद होने के 9 दिन बाद सरकार ने नए कदम उठाए। कैश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए नोट बदलने की लिमिट घटा दी गई और शादी वाले घर को 2.5 लाख तक की छूट दी गई। अब बैंकों की कतार में नहीं फूलेगा दम। बैंड बाजा बारात, बालों को नहीं होगा गम। अन्नदाता की टेंशन होगी बेदम। नोटबंदी पर राहत के नए कदम। नोट बैन से नई करेंसी की किल्लत की मार झेल रही देश की जनता को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिनों से परेशानी झेल रही पब्लिक को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों से लेकर आम पब्लिक और पब्लिक से लेकर उन लोगों को बड़ी राहत देने का फॉर्मूला ईजाद हुआ है जिनके घर शादी की शहनाई बजने वाली है। नोट बैन पर जनता को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान किए गए हैं जिनका फायदा आज से मिलने लगेगा। आज से 4500 रुपए की जगह एक बार में 2000 रुपए तक के पुराने नोट ही बदले जा सकेंगे। आज से देश के 2500 चुनिंदा पेट्रोल पंप से भी 2000 रुपए निकाले जा सकेंगे। इन पेट्रोल पंप पर डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं। अब शादी का कार्ड दिखाकर बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। दुल्हा दुल्हन और माँ बाप में से किसी एक को ये छूट मिलेगी। खाद बीज के लिए किसान हर हफ्ते अपने खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। किसान सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 तक निकाल सकते हैं। फसल बीमा की किस्त जमा कराने के लिए समय सीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी APMC से रजिस्टर्ड व्यापारियों को हर हफ्ते 50,000 रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। ग्रुप सी तक केंद्रीय कर्मचारी 10,000 की सैलरी एडवांस में निकाल सकते हैं। देश भर के नेशनल हाईवे पर 24 नवंबर तक टोल नहीं लगेगा। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts subject to the limits because the farmers depending on their holding and which crop they are raising they get various there are limits up to which these loans are sanctioned and this will also apply to the Kisan credit cards. खास बात यह है कि ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की इस लड़ाई का ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने आज से कुछ और नए नियम बैंकों के लिए जारी किए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों के कुछ लेन देन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। अब बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा पैसा जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना होगा। 50,000 या ज्यादा के बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर और चेक पर भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट और ऐसे खातों के लिए भी पैन नंबर जरूरी कर दिया गया है जो बेसिक या जनधन खाते नहीं हों। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि बचत खातों में 2.5 लाख से ज्यादा और करेंट अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों की जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। साफ है कि नोटबंदी पर राहत के नए कदमों से परेशानी की मार झेल रहे लोगों को राहत जरूर मिलेगी, साथ ही नए नियमों से ब्लैक मनी पर और शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।